हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, जिसमें मैं मचेड नेवी इंडिया, जिसमें आपको मैं बेसिस ऑन बच्चों के रिकमेंडेशन पे मैं वीडियो बनाता हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो है ये रिलेटेड है सेकंड लिस्ट का। पहली लिस्ट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी सब बच्चों को। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि IMU सेकेंड लिस्ट भी प्रपोज करेगा, तो IMU ने सेकेंड लिस्ट प्रपोज की है, तो हम जो है आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो आपको इतने सारे व्यूज दिखेंगे। अब आप इसमें देखोगे, सबसे पहले प्रोग्रामेबल फीस एंड सीट कंफर्म। सो यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद में जैसे ये सेकेंड लिस्ट का था जो कि डेट गई, अब अगर थर्ड लिस्ट का आएगा तब भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। थर्ड लिस्ट के चांसेस कम है, बट स्टिल हम देखते हैं कि थर्ड लिस्ट का क्या होता है। जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। ये सेकंड लिस्ट जो है वो आ चुकी है, आप इसमें देखेंगे तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसमें देखोगे कि ये जो टॉप बच्चे हैं वो जनरली कंसिडर किए जा रहे हैं बीटेक, जैसा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। फिर से मैं इसी पे फोकस करूंगा कि बीटेक के बहुत सारे एडवांटेज हैं इफ़ यू ज्वाइन इन बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। सो दैट्स वाई देर आर मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन लुक योर करियर विथ इन ए सच ए वे देर यू विल हैव अ गुड प्लेसमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो मैं इसी का बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बीटेक के इस टाइम के मुख्य कॉलेज, जिसमें प्राइवेट में और गवर्नमेंट में भी जिनको आप मुख्य तौर पे चूज कर सकते हो, और बीटेक में करियर अगर देख रहे हो तो वो जो इंस्टीट्यूट हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। सो ये हमारी लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम इस लिस्ट को देखेंगे तो आप इसमें देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जनरल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक अचीव हुई है विच इज़ अराउंड 3800 समथिंग, 3000, ये जो है 3000, ये वाली 3007, सो दिस वॉज द लास्ट रैंक। सो हियर यू कैन थिंक इट अबाउट योर सेल्फ कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। सो दिस इज अबाउट दिस। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपको बतानी थी, उसमें था ये नोटिफिकेशन। अगर आपकी लिस्ट में नाम आ गया है और आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सो दिस वन इज द लास्ट। पे करना है, अमाउंट पे कहाँ से करना है, अगर हम इसमें बात करें अमाउंट कहाँ से पे करना है, तो मैंने एक अभी लॉगिन दिखाया था आप लोगों को। फ्रॉम हियर यू नीड टू पे द अमाउंट, अमाउंट आप यहाँ से पे करोगे लॉगिन करके, राइट। हियर यू कैन सी दिस इज द लास्ट डेट, और ये लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा, मेरे पास मेडिकल रेडी नहीं है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास रेडी नहीं है। डोंट वरी, जो रेडी नहीं है उसको धीरे धीरे रेडी कर लेना, वो चल जाएगा। उसका जेरोक्स वगैरह दिखा के यू कैन मेक ए रिक्वेस्ट, बट जो रेडी है उसको दिखा के आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप एडमिशन का वेट मत करिए कि एडमिशन के लिए मैं इंतजार करूँ, मैं लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन आप एडमिशन का वेट मत करिए, आप फटाफट इसको कंप्लीट करिए। इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चों के डाउट ये हैं कि कोर्स कब से स्टार्ट होगा, कोर्स जो कमीशन है वो ऑलमोस्ट 2 नवंबर से स्टार्ट होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड डेट है, बट स्टिल डेट अभी आई नहीं है। और जो वेरिफिकेशन है, मतलब आपको गेट रेडी योर सेल्फ विद दिस मंथ इट सेल्फ, इवन इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रॉबली इन लास्ट वीक और सेकेंड लास्ट वीक में उनके वेरिफिकेशन होके दे'ल क्लोज देयर सीट्स, और प्रॉबली फ्रॉम द 2 नवंबर से आपकी परमानेंट क्लासेस विल बी स्टार्टेड। सो दिस विल बी द ऑलमोस्ट द डेट। सो दिस इज आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन टू एवरी वन अबाउट द थिंग। नाउ द सेकेंड वे, सपोज समबडी इज थिंकिंग कि नहीं मेरे को ये सीट नहीं लेनी है, तो वो क्या करेगा, वो इसको पास ऑन कर देगा, और नेक्स्ट टाइम वापस से जब अगर कोई बच्चा नहीं लेता है तो सीट फिर से अलॉट होती है। तो जब फिर से अलॉट होंगी तो उस टाइम उसकी अपग्रेडेशन या मे बी उसको जो चॉइसेज में चाहिए वो चॉइसेज में उसको मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लिस्ट विच इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड। आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कुछ छूट जाता है तो प्लीज सेंड मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई इट ओवर देयर। एंड नाउ
99% थर्ड लिस्ट भी आएगी, अगर किन्हीं बच्चों के जिनके नाम नहीं आए हैं एंड स्टिल दे आर वेटिंग कि हमारा होगा कि नहीं होगा, तो प्लीज वेट, आई एम टेलिंग यू 100% थर्ड लिस्ट भी आएगी, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक और वीडियो डालूंगा अभी बीटेक के लिए, तो आप वो वीडियो जरूर वॉच करना। काइंडली शेयर एज मच एज पॉसिबल सो दैट एवरी स्टूडेंट विल गेट द इन्फॉर्मेशन।